ये सुरमंडल है, इसका नाम सुरमंडल। इसमें 36 तारे होती हैं, दो तार का एक सुर होता है। तो राग 6 है, कोई भी राग मिला लो तो 6 राग जो होती है उसमें तो 7 सुर ही लगते हैं एक राग के। तो 7 सुर कोई मिला लो जिस राग के, वो ही राग बजेगा इसमें, और उस राग में जितने गाने हैं वो सब पूरे बजा लो आएगा। और जो 6 राग है, भैरव, मालकौश, दीपक, मेघ और मलार, मतलब ऐसे राग 6 हैं, उसमें वो रागा मिलाने पड़ेंगे तो उसमें 7 ही सुर मिलेगा, और उस राग जो राग मिलाई उसका ही गाना उसमें बजेगा। बजाने में तोड़ो सरल है, पर ट्यूनिंग में बहुत ये हार्ड है। इसकी ट्यूनिंग जो करते हैं बजाने वाले तो ज़रा टाइम थोड़ा लेता है, और बजाने में बजाने वाला हो जिसके कानों में सुर हो तो वो तो समझ सकता है कि भाई ये सही मिला हुआ ट्यूनिंग है, ये सही बजेगा नहीं बजेगा। और इसमें 36 तारे हैं, ये इनकी चाबी है, ये खूंटी इनसे चाबी से इसको कम ज़्यादा करना पड़ता है। और ये नखले से बजता है, ये नखला है, ये नखला अंगुली में डाल के इससे बजाना पड़ता है, इससे आवाज़ साफ आता है। बज तो ऐसे अंगुली से, सिर्फ अंगुली से नख से बजता है, पर वो साफ नहीं आएगा। इस जो नखला है इसको मिर्जा भी कहते हैं, इससे साफ आवाज़ देता है, इससे साफ बजता है, साफ बोल देता है। तो ये ज़रूरी होता है अंगुली में। ये घोड़ी है इसकी, और ये चाबियां हैं, और इसका पीछे ये तार डालने के मोरी बोलते हैं, दूसरी ये छोटी मोरी, इसके ऊपर ये तार लगाई हुई लोहे की, और ये भी लोहे की तार है। ये क्यों ज़रूरी लगाना पड़ता है कि ये तार लकड़ी से नहीं टकराए, लकड़ी से टकराए से तार आवाज़ कम देती है, और लोहे की कील इसके ऊपर लगाना पड़ता है तो वो साफ बोलती है, तो ज़रूरी लगाना पड़ता है। ये आशा जी ने मेरे को, पुराना तो मेरे पास पहले दूसरा था, ये आशा जी ने बना के दिया है। इसका कम से कम 15-16 हज़ार रुपया खर्च किया आशा जी ने, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नया बन गया, और पुराने वाले को अभी मैं बच्चे को दे दिया, सिखा रहा हूँ, और ये नया है, बहुत अच्छा बनाया, बनाने वाले ने भी बहुत अच्छा बनाया।
अभी हमको आशा आशा जी इतना कदम उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी आशा पूरी होगी और भगवान उनको लंबी उम्र करे।